अब अभिषेक और समृद्ध को धप्पा करने की बारी है। क्या हो रहा है, ये धप्पे ने इतना ज्यादा शोर मचा दिया है। अभिषेक और समृद्ध क्या कुछ कहेंगे? अभिषेक, मैं तो ये चाहता हूँ कि ये शोर और मचे और सबके कानों तक जाए, धप्पा 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 धप्पा, और कोई भी मिस ना करे। ये हमारी प्यारी सी एक मिनी वेब सीरीज है जो हंगामा ऐप पे आ रही है, तो मैं चाहूँगा कि ऑडियंसेस ये फटाफट देखे, बिकॉज ये रिलीज हो चुकी है। एंड पांच स्टोरीज हैं इसमें, जिसमें से हम लोग एक स्टोरी में फीचर कर रहे हैं, और पांचों स्टोरीज बहुत ही कमाल है, बहुत ही एंटरटेनिंग है। सो आई होप ऑडियंसेस को बहुत अच्छा लगे। समृद्ध क्या कहेंगे, क्या कैरेक्टर है और किस बात ने एक्साइट किया धप्पा से जुड़ने के लिए? डेफिनेटली मेरे कैरेक्टर ने मुझे बहुत एक्साइट किया। मुझे जब उन्होंने बताया कि मेरा कैरेक्टर ऐसा मसालेदार होने वाला है, तो मैंने कहा यार मसाले के बिना स्वाद नहीं आता, तो वो तो ज़रूरी है। तो मैंने उसी वक्त इसके लिए हाँ बोला था, एंड वे आई डिड इट, और वो स्टोरी जो बन के आया है, मैं तो वेट कर रहा हूँ कि मैं आज उसको देखूँ, क्योंकि आज हंगामा प्ले पे वो आ गया है। सो मज़ा बहुत आने वाला है, क्योंकि हमें शूट करके मज़ा आया, स्टोरी सुन के ही मज़ा आया था, तो देख के तो डेफिनेटली मज़ा बहुत आने वाला है। तो बस आप लोग भी देखिए और हम भी देखेंगे। साथ ही अभिषेक, क्या है ये धप्पा? क्योंकि हम धप्पा सुनते हैं तो हमें याद आता है वो बचपन के दिन, जब हम बिल्डिंग में अपार्टमेंट में हम घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, और लुक्का छुपी खेलते हैं, वो धप्पा कहते थे, तो ये उससे जुड़ा हुआ कुछ है, क्या है? वो बचपन वाले खेल थे, अब बड़े वाले खेल होने वाले हैं, जो लाइफ के धप्पे लगते हैं, कभी भी किसी को भी किसी टाइम पे भी लग सकते हैं, अनएक्सपेक्टेडली लग सकते हैं। तो वो एक होता ना कि यार हाउ, ये कैसे पॉसिबल, कैसे कर दिया इसने, या कैसे, हमारी हर किसी के लाइफ में ऐसा ही होता है। तो ये भी पांचों कहानी में ऐसा ही है, तो हमारी कहानी में भी ये देखना है कि किसको धप्पा लगा, कौन धप्पा किया, तो यही है धप्पा। साथ ही अभिषेक, अपने काम से वक्त निकालना फिर ऐसे शूट करना कितना रिफ्रेशिंग और कितना हैक्टिक हो जाता है आपके लिए? बट ये काम ही तो है, काम से ही काम आता है, तो आप काम की रिस्पेक्ट करते हो तो काम आपको और चीज़ें देता है। और जैसे कि आज ये इवेंट है, ये हम लोगों के लिए भी एक ब्रेक है, बड़ा अच्छा ब्रेक लगता है कि आपकी टीवी की जो शूटिंग से एक डिफरेंट उसमें आए हैं, डिफरेंट मूड में आए हैं, तो ये भी ज़रूरी है फॉर अस टू फील फ्रेश एंड अलाइव। इतना प्यार मिल रहा है यहाँ पे, सब लोग आप लोग हो यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है और कूल, बड़ा हैप्पी वाला डे आज की। एंड आपकी जब चीज़ को रिलीज़ होती है तो बहुत ही अच्छा लगता है, इट्स अ वेरी गुड फीलिंग, बिकॉज ये शूट किए हुए काफ़ी टाइम हो गया हमको, अगस्त में हमने अपना शूट किया था, अभी मई हो गया, तो वेट रहती है एक हमेशा, एक होती है कि आपका काम रिलीज़ होना चाहिए, लोगों को पसंद आना चाहिए, बिकॉज आपने ईमानदारी से काम किया है। तो मैं बहुत खुश हूँ और मेरे पूरे दिन मेरे फेस पे ऐसी स्माइल रहेगी कि यार चलो सब लोग एक साथ हैं, और मेरे सारे फ्रेंड्स हैं, मैं इसको भी बोल रहा था कि हम लोग फ्रेंड्स हैं, जय भाई, स्मृति, किसान, सब लोग जो इस सीरीज़ में काम कर रहे हैं अभी, तो सारे मेरे फ्रेंड्स हैं। और अनिल सर के साथ तो एसोसिएशन काफ़ी पहले से ही है, उन्होंने हमारा शो कुंडली भाग्य सेटअप किया था एज अ डायरेक्टर, तो वहाँ से मेरी और अनिल सर की जर्नी शुरू हुई है। और हंगामा के लिए बात किया जाए तो मैंने हंगामा के लिए लास्ट कश्मकश भी किया था, जिसमें मेरे दो एपिसोड थे, तो हंगामा और अनिल बी कुमार के साथ अच्छा टाई अप है, तो मैं कोशिश करूंगा कि ये बना रहे। बिल्कुल बिल्कुल। समृद्ध, अगर बात की जाए, जैसा कि बताया भी अभिषेक ने, काफ़ी बड़ी कास्ट है, और बड़ी कास्ट में धमाके ना हो, मस्ती ना हो, ये पॉसिबल नहीं है, तो क्या हुआ है, धप्पा हुआ सेट पर भी? हाँ, सेट पर जो मेन धप्पा है वो हमारी स्टोरी में ही है। हर कास्ट की अपनी खुद की एक स्टोरी है, तो मेरी स्टोरी में मैं, अभिषेक और किसान हैं, एंड मुझे ऑनेस्टली बाकी स्टोरीज का धप्पा इतना पता नहीं है, बट मैं अपने धप्पे के लिए बहुत वेट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा धप्पा, मतलब जो हमारी स्टोरी का धप्पा है, वो बहुत ही खतरनाक धप्पा है, बहुत खतरनाक धप्पा। सो एग्जैक्टली जैसा उन्होंने बोला, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि वो धप्पा मुझे देखना है। डेफिनेटली मैं बाकी सारे भी देखने वाला हूँ, क्योंकि जितनी इंटरेस्टिंगली हमारा स्टोरी लिखी है, आई एम श्योर बाकी सारी स्टोरीज भी ऐसी ही हैं। एंड बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है ये धप्पा, नाम ही बहुत यू नो कैची है, आप सुनते ही आपके दिमाग में आ जाता है, और यू नो ऐसा क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है कि ये क्या मतलब हुआ और क्या, क्योंकि धप्पा सबको पता है, सबने खेला है वो गेम, बट ये क्या मतलब हुआ, तो वो देखने के लिए आई एम श्योर बहुत लोग क्यूरियस हैं, हम भी हैं, एंड बस अब देखना है। सभी को इंतजार है। अभिषेक, अगर बात की जाए शो की, तो शो स्ट्रीम हो चुका है, कुछ ना कुछ रिस्पांस आपको मिले होंगे, फीडबैक का भी आपको इंतजार होगा, क्या कुछ इंतजार है? बिकॉज स्ट्रीम अभी हो गया है या अभी ऑलमोस्ट होने वाला है, आज ही क्या हो गया है, तो अभी देखते हैं, जब हम लोग चीज़ें डालेंगे और ऑडियंस से बात करेंगे, ऑडियंस से अपने मैसेजेस भेजेंगे, लाइव चैट्स पर रिप्लाई करेंगे, तो देखते हैं उनको क्या लगता है, बिकॉज ऑडियंस फटाफट पिक कर लेती है और बैक टू बैक स्क्रीन शॉट्स भेजते हैं, मीम्स बनाते हैं, वीडियोज जो उनको अच्छी लगती है वो निकालते हैं। तो अभी तो मेरे हाथ में फ़ोन नहीं, बट आई एम होपिंग कि शाम तक बहुत सारे मैसेजेस आएँ, बहुत सारे रिव्यूज़ आएँ, अच्छे फीडबैक आएँ, ऑनेस्ट फीडबैक आएँ, तो बस उसी की वेट है। हमें भी वही उम्मीद है। थैंक यू सो मच अभिषेक एंड समृद्ध, उम्मीद करता हूँ कि हर बार की तरह जो आपका जादू चला है स्क्रीन्स पर, इस बार भी वही जादू चले। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। कैमरा स्वप्निल दयालकर के साथ मैं हूं अशोक शुक्ला, आज तक मुंबई।